तुम लोगों में से बहुत लोगों को पता है या मे बी नहीं पता, बट ईमान गाजी एक 22 साल का लड़का, मल्टी मिलियनेयर, वो भी अपने जैसा, जिसकी नेटवर्थ है 25 मिलियन डॉलर, जो इंडियन रुपीज में होता है 206 करोड़। उसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं था और वो अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट देता है एक चीज को, जिसे वो कहता है मंक मोड। और मंक बोर्ड कुछ भी नहीं है, ये बस एक सेट ऑफ टास्क है जो इमाम ने अपने लिए रखे हुए हैं, जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, मतलब करना है तो करना है। और अगर तुम 6 महीने हार्डकोर मंक मोड कर लो, तो तुमने जो भी अपने गोल सेट कर रखे हैं, उनको तुम्हें अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये ईमान का कहना है, इफ यू फॉलो द मंक मोड हार्डकोर। ईमान के 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क है जो डेली बेसिस पे होने ही चाहिए। फर्स्ट इज 10 मिनट्स मेडिटेशन, सेकेंड इज नो वीड अल्कोहल और स्मोकिंग, और थर्ड है 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली। तो यार अब तुम लोग बोल रहे होगे कि ये सब तो बहुत ही इजी है, और ये करने से इस बंदे ने इतने पैसे कैसे बना लिए? तो यार एक बात समझो, हर एक बंदा अलग होता है और हर किसी की जो बुरी आदतें होती है वो अलग होती है। जैसे मेरी है माइंडलेस स्क्रोलिंग, तुम में से बहुत लोग अभी भी पॉर्न एंड मैस्टर्बेशन के एडिक्टेड हो, ठीक है, और कोई एक बंदा है जो दिन की 10-10 सिगरेट फूंक दे रहा है। तो हर बंदे की दिक्कतें अलग होती हैं। हाय भाइयों, मेरा नाम है अभिनव, और अगर तुम अपने आप को 1% मैन में कंसिडर करते हो, यू आर एट द राइट चैनल। और अगर तुम अपने आप को कंसिडर ही नहीं करते, तो यू कैन जस्ट लीव, क्योंकि ये वीडियो लंबी और इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। इससे पहले मैं सारे नॉन निगोशिएबल टास्क को 1 by 1 डिस्कस करूँ, पहले मैं तुम लोगों को अपनी लाइफ की बैक स्टोरी बताता हूँ। तो बात है 2021 के स्टार्टिंग की। मेरे कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर था एंड आई फेल इन लव विद दिस गर्ल, जो मेरी क्लासमेट भी थी एक सेमेस्टर में। इट वाज ऑनलाइन लव जो इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुआ। तो क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था, तो मैं घर में तो बैठने वाला था नहीं, क्योंकि कोरोना का टाइम था तब और ऑफिशियली अपने कॉलेज खुले नहीं थे। और मेरे सारे दोस्त, दिस गर्ल और जितने भी मैं जिन लोगों को, जो मेरे अच्छे दोस्त है, वो सारे वहीं पे थे, तो मेरे घर में रुकने का कोई मतलब बनता था नहीं। तो मेरा मेन रीजन यही था घर से निकलने का, कि मुझे जाके दोस्तों से मिलना है, इस लड़की से मिलना है और पार्टी करनी। तो इनिशियली मेरे को बहुत मजा आ रहा था, डेली पार्टी, डेली वीड, डेली दारू, सब चल रहा था मेरा डेली। तो मैं उस कांस्टेंट लूप में फंस गया था। सुबह उठ रहा था, सिगरेट पी रहा था, शाम को पार्टी कर रहा था, तो वो डेली चलता जा रहा था। तो अगर तुम इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बट जब ऐसा होता है ना, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं यार, जो भी हो रहा है ना, इट्स नॉट गुड। तो मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मेरी प्लेसमेंट लगेगी, तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। इस जगह का नाम था लॉ गेट, अपने कॉलेज के बाजू में एक जगह है। मैंने सोचा प्लेसमेंट लगेगी तो फिर मैं मुंह दिखाने लायक घर जा सकता हूँ, घर जाके कुछ बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी अब प्लेसमेंट लग चुकी है। तो फिर मैं चला गया वहां से। एंड उस टाइम पे जितना भी पैसा, आई यूज्ड टू अर्न 0 money बाय दैट टाइम, और जितना भी पैसा आता था वो मेरे घर से आता था, मैं अपनी मम्मी से मांगता था। आई वॉज रियली डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली फॉर मनी। मेरा मंथली खर्चा 12,000 से ज्यादा का आता था, और मैं मम्मी से पैसे मांगता था, और मुझे बुरा लगता था कि यार मैं इजिली 5-6 हजार में पूरा महीना काट सकता हूँ, बट नहीं, मेरे एक्सपेंस डबल हो रखे बिल्कुल ही। और फिर मैं जैसे ही घर आया, तो मेरे को आए विड्रॉल सिम्टम्स, क्योंकि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है। और वो कॉन्स्टेंटली मैं 6 महीने तक लगातार नशे करे मैंने, वीड, अल्कोहल, सिगरेट्स, मैं बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरे पिंपल आ गए, मैं हेल्दी फील नहीं करता था, बहुत अजीब सा होता है। मेरे को फिर समझ में आया कि जो एडिक्ट्स होते हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी छोड़ने में। डीप डाउन आई न्यू कि यार देयर इज दिस चैड इनसाइड मी, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट को मानता है, वो वांट्स टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। तो मुझे पता था मैं इस चीज से एडिक्टेड तो नहीं हो सकता, बट 6 महीने मैंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया। तो फिर क्या था, अपने अंदर का चैड जगा और उसने बोला भाई नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और मैंने मंक मोड को सीरियसली फॉलो किया फॉर 6 months रिगरसली। और अब मैं तुम लोगों से बात करूंगा नॉन नेगोशिएबल टास्क के बारे में 1 by 1 एंड हाउ इट चेंज्ड माय लाइफ विद इन अ ईयर। तो पहले मैं जब भी सुबह उठता था, तो सबसे पहले मेरा यही काम होता था कि मैं फोन पकड़ता था और फिर बस रील स्वाइप करता रहता था, क्योंकि कोई ना कोई दोस्त तुम्हारा ऐसा होगा जो तुम्हें रील्स भेजेगा सुबह, और फिर तुम उसके रील्स देखोगे और फिर रील टैब में जाओगे, और वहां तो भाई जो टाइम वेस्ट करा है मैंने, मतलब मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो माइंडलेस स्क्रोलिंग है। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब 1 घंटा या 2 घंटे निकल जाते हैं, जिस 1-2 घंटे में तुम अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर सकते थे, वो पूरा वेस्ट हो चुका है। एंड तुम्हें अंदर से एक आवाज़ आएगी पक्का कि यार ये क्या किया तुमने, अब तुम ये टाइम तो बर्बाद कर दिया, पूरा दिन बर्बाद करते हैं, अब अगले दिन से करेंगे। तो एक कॉन्स्टेंट लूप बन जाता है और फिर तुम उसमें फंसते चले जाते हो, और फिर जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पाते।
सब बोलते हैं कि उनको मॉर्निंग पर्सन बनना है, बट फोन हटाने से काफी चेंजेस नोटिस किए मैंने। तो मैंने इस चीज को किस चीज से रिप्लेस किया, मैंने उसको रिप्लेस किया मेडिटेशन के साथ। मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई डू इज ग्रैब अ वाटर बॉटल, 1 लीटर का पानी पकड़ता हूँ, बाहर जाता हूँ, धूप में बैठता हूँ 15 मिनट के लिए, पानी का सिप लेता हूँ और फिर अपनी आंख बंद करता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि मेरी बॉडी मेरे को थैंक यू बोल रही है फॉर गिविंग इट वाटर सुबह सुबह। बिकॉज 8 घंटे तक पानी नहीं मिलता, मैं 8 घंटे सो रहा हूँ बढ़िया भी, तो 8 घंटे तक पानी नहीं मिल रहा और फिर यू कैन फील जो पानी अंदर जा रहा है, ठंडा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग है वो। दूसरी चीज नोटिस करने की है वो है साउंड ऑफ द बर्ड्स, कितनी सूदिंग साउंड है वो, लाइक यू विल एक्चुअली लव इट। अगर तुम 10 दिन लगातार सुबह बाहर जाओगे ना तो तुम्हें बहुत ही, तुम्हारे सेंसेस बहुत ही अच्छे हो जाएंगे इन फील कि हाँ अभी कोयल गा रही है, तो बहुत ही बहुत प्यारी आवाजें निकलती है बर्ड्स एंड यू लव इट, यू लव नेचर। उसके बाद मेडिटेशन इज अ रियली स्ट्रॉन्ग थिंग, इनिशियली तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा 5, 10, 15 दिन, बट वंस इट हिट्स प्रॉपरली तुम्हें बहुत ही अंदर से काम लगेगा, यू विल फील कि यार अब मैं इतना शांत कैसे हूँ, व्हाई एम आई नॉट नर्वस, एंजाइटी कहाँ है, वेयर इज द डिप्रेशन, मेरा ब्रेन फॉग कहाँ गया, लाइक इट्स रियली गुड। और अभी तो मैंने एक नया फ्रेंड भी बना रखा है जो मेरे साथ धूप सेकता है, डेली अपन साथ बैठते हैं और फिर वो जब चले जाता है तो मैं भी चले जाता हूँ, इट्स यूजुअली 15-20 मिनट्स, सर्दी का मौसम है तो तुम्हें साइलेंस में मजा आने लगेगा, यू वॉन्ट बी लाइक डिस्ट्रैक्टेड, और तुम ना फील कर पाओगे कि जब तुम खाली बैठते हो तो किस किस क्या क्या सोचता है तुम्हारा ब्रेन, और फिर हाउ यू कैन ओवरकम दोज नेगेटिव थॉट्स। तो 10x10 रिकमेंडेड, प्लीज डू मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स, 10-15 मिनट डेली करो भाई, एज अ मैन यू शुड डू इट टू काम योर सेल्फ। सो द सेकेंड नॉन निगोशियबल टास्क इज नो वीड, एल्कोहल एंड सिगरेट्स। तो जैसा मैंने तुम्हें अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में पहले बताया, इट वॉज अ रियली डार्क फेज ऑफ माई लाइफ। हाँ, उस टाइम पे मेरे को वो चीज़ बहुत ही सही लग रही थी, वो सही नहीं थी, एंड दैट वॉज वेरी इमेच्योर ऑफ मी टू डू माई बॉडी सो रॉन्ग, बट टाइम गया वो, नाउ आई हैव चेंज्ड, एंड बिकॉज ऑफ बींग ड्रंक एंड हाई ऑल द टाइम आई हैड जीरो मोटिवेशन टू चेंज माई सिचुएशन अबाउट माई मनी, मतलब मैं अपनी करियर को सीरियसली ही नहीं ले रहा था, इट वॉज ऑल पार्टी एंड ऑल। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि वीड पीने से रिलैक्स होता है, ये वो होता है, सबका अलग अलग मानना है, बट यू ऑल्सो नो इट्स रॉन्ग, इट्स इलीगल, उसको बैन इसलिए किया है बिकॉज इट किल्स यू ऑफ योर मोटिवेशन, एंड ट्रस्ट मी जब मैंने 6 महीना बिल्कुल कुछ नहीं करा, आई डोंट इवन मिस इट एंड आई फील रियली ग्रेट, बहुत अंदर से एक प्राउड फीलिंग आती है दैट यू आर आउट ऑफ दैट फेज इन योर लाइफ। सो द थर्ड नॉन निगोशियबल टास्क वॉज 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली। सो दिस वन वॉज रियली ईजी फॉर मी, मेरा मेन गोल जिम जाने का यही था कि मेरे को बस कपड़ों में अच्छे लगना है, एंड आफ्टर लाइक 2 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग आई एम रियली हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ मसल आई हैव पुट ऑन एंड आई फील रियली प्राउड। मैंने कुछ दिन पहले रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, हाउ प्राउड आई एम ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं पहले बहुत पतला हुआ करता था, एंड नाउ आई लुक कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली पुटिंग ऑन मसल इट इंक्रीजेज योर सेक्शुअल मार्केट वैल्यू, ऑपोजिट सेक्स तुम्हें नोटिस करने लगेगा एंड यू विल नो दैट यू हैव वर्कड हार्ड, एंड जो उसके रिजल्ट है वो दिख रहे हैं, बट यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, मैंने अपने लिए किया, आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स, आई नो आई एम वर्दी ऑफ दोज कॉम्प्लीमेंट्स नाउ, क्योंकि मेहनत करी है मैंने। सो इट्स रियली सिंपल, तुम कुछ भी एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो, तुम बॉक्सिंग खेलो, वट एवर यू डू, जस्ट डू इट फॉर 30 मिनट्स एंड मेक श्योर योर हार्ट बीट इज अप फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, बस यही है और कुछ नहीं है। वर्कआउट का मतलब यही होता है कि तुम्हारा हार्ट बीट एक पॉइंट तक ऊपर को जाके रहे, एंड उससे हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है बस। सो जो ये 3 नॉन निगोशियबल रूल्स हैं, ये ईमान ने रखे जो कि तुम्हें करना ही करना है, बट मैंने भी अपने लिए बहुत छोटे छोटे टास्क रखे जिनको करके मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मतलब मैंने कैप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिखा है क्रेजी रिजल्ट्स, वो इनके वजह से। तो वो 10 छोटे छोटे टास्क जिनके वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। पहला है ड्रिंक 1 लीटर वाटर डेली एज सून एज यू वेक अप। सेकंड है नो फैट। थर्ड है डाइट, जिसमें से 80% क्लीन डाइट है और 20% जंक फूड है। अब तुम 100% क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी तुम्हें टेम्पटेशन आती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ रखने के लिए तुम्हें 80-20 स्प्लिट रखना चाहिए अपनी डाइट। फोर्थ है ब्रश ट्वाइस डेली, बहुत सारे लोग नहीं करते ये, मैं भी पहले ये नहीं करता था और अब मैं ये डेली करता हूँ ट्वाइस। फोर्थ इज मेक मनी ऑनलाइन, तो मैंने अपने चैनल में ये से रिलेटेड वीडियोस डाली है, कुछ इंस्टाग्राम से रिलेटेड इसी पे है, क्रिएट कंटेंट। तो अभी मैंने फिलहाल ही इंस्टाग्राम पे डेली रील्स पोस्ट करना स्टार्ट किया, मैं एक फिटनेस पेज ग्रो करना चाहता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप ले सकूं, तो वो 2023 का प्लान है मेरा। नेक्स्ट इज नो माइंडलेस स्क्रोलिंग, जो कि बहुत टाइम वेस्ट करता है मेरा। फिर नेक्स्ट इज कंप्लीट 7 आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि मैं पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता हूँ, तो डेली मैं
मेरी मसल बहुत टूट जाती है। इन ऑर्डर टू कम्पनसेट फॉर दैट आई कम्प्लीट 7 hours ऑफ स्लीप डेली। नेक्स्ट थिंग जो मेरे लिए बहुत काम आई है वो है नेवर मैसेज फर्स्ट। बहुत टाइम मैं अपने आप को ऐसे फील करता था कि मैं पहले मैसेज करता हूँ और मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती और सामने वाला बंदा सीन पे छोड़ देता है। और जब से मैंने ये कम करना स्टार्ट किया है बहुत सारे लोग मेरी लाइफ से ऐसे ही एलिमिनेट हुए और मुझे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये तुम्हें करना चाहिए अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो। नेक्स्ट इज स्किन केयर रूटीन एंड कोल्ड शावर्स डेली। ये बहुत अच्छा है। स्किन केयर रूटीन पहले मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता था तो बहुत पिंपल दाने ये वो रहते थे। मैं अभी भी बहुत बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करता हूँ जो कि बहुत ही मिनिमल है और बहुत ही इफेक्टिव है, तो वो आगे मैं तुम्हें दिखा दूंगा। एंड लास्ट इज नो कैफीन एट ऑल। मतलब पहले मैं क्या करता था कि सुबह कॉफी पीता था और फिर कॉफी पीने के बाद तुम्हें पता है कि एक रैश आता है, फिर यू फील रियली टायर्ड और फिर जिम से पहले प्री वर्कआउट। अभी मैं बिल्कुल जीरो, प्री वर्कआउट भी नहीं है, नो कॉफी और आई फील रियली एनर्जाइज। तो ये सब है। तो अभी फिलहाल तो मैं इन सब के बारे में बहुत शॉर्टली ऊपर से बात करूंगा, बट इफ यू वॉन्ट मैं इसमें डीप में जाऊँ और बिल्कुल अच्छे से वीडियो बनाऊँ तो तुम लोग मुझे नीचे लिख दो मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मैं बना दूंगा उस पर अच्छे से। तो गाइज मैं इस चीज को पहले कभी भी सीरियसली नहीं लेता था। मेरा बॉडी वेट अराउंड 93 kgs है और मैं दिन में बस अप्रोक्सीमेटली 800-900 ml पानी पीता था, तो मेरे को बहुत ही डिहाइड्रेटेड फील होता था। स्किन केयर रूटीन एक साइड है बट जो मेरी स्किन का मेन ग्लो अप का रीजन है वो वाटर इनटेक ही है। अब मैं डेली मिनिमम 3.5 liter पानी तो यूं ही पी जाता हूँ। 1 liter तो मेरा सुबह उठते साथ ही हो जाता है और मैं ये 1 liter सुबह तब पीता हूँ जब धूप में मैं सुबह निकलता हूँ पानी की बॉटल लेके मेडिटेशन के टाइम पे। पहले पानी पीता हूँ और फिर मेडिटेशन करता हूँ, बहुत बढ़िया फील है। यू शुड ऑल्सो ट्राई दैट। सो पॉर्न इज अ रियली बिग इश्यू फॉर अ लॉट ऑफ मेन। मतलब इसमें छुपाना क्या है, तुम भी एक ना एक टाइम पे पॉर्न देखते होगे, उसके एडिक्ट होगे। अगर नहीं हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर हो तो यू शुड अवॉइड इट क्योंकि दैट इज चीप डोपामिन फॉर योर ब्रेन। तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है यू आर अचीविंग इट बट एक्चुअली में तुम कुछ कर नहीं रहे उसके लिए। और बस ये सोचा करो कि वो जो बंदी है शी इज डूइंग समवन एल्स और तुम उन दोनों को देख रहे हो, तो तुम एक तरीके से कक बन रहे हो। मतलब तुम्हें दूसरों को करते हुए देखने में मजा आ रहा है। जब से मैंने ऐसा सोचना स्टार्ट किया ना तो मैं बिल्कुल अपनी नो फैब स्ट्रीक अच्छे से बना पा रहा हूं। मैंने 90 days की अपनी स्ट्रीक कंप्लीट करी। इस पे तो मैं अच्छे से बात कर सकता हूं तुम लोगों के साथ, बट अगर मेरे को 10 comments आए मैं तभी बनाऊंगा इस पे वीडियो। थर्ड पॉइंट इज क्लीन डाइट। तुम कितना भी जिम कर लो बट अगर तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है तो तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें 100% क्लीन डाइट लेनी चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तुम्हारे दोस्त लोग हैं, तुम बाहर जाते हो, मोमोज खाओ, ये खाओ, एंजॉय करो लाइफ, बट मेक श्योर कि तुम 80% क्लीन डाइट ले रहे हो। जैसे मैं सुबह डेली पिछले 1 साल से अंडा, ब्रेड, ओट्स ले रहा हूं और ये चेंज नहीं हुआ है। बहुत ही ईजी हो जाता है अगर तुम 2 meals को फिक्स कर दो, तीसरी तुम रख सकते हो थोड़ा सा उसमें फास्ट फूड। सो 2022 वॉज बाई फार द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना सही गया है। आई मेड अ रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम थीम पेज, मेरे सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज और जो मैं ये कर रहा था, मतलब तुम मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, तो काफी अच्छा खासा अमाउंट बनाया मैंने एंड दैट वाज ऑल ऑनलाइन। पहले मैं भी बिलीव नहीं करता था कि ऑनलाइन पैसा बन सकता है, बट हियर आई एम। और मैं मेक मनी ऑनलाइन की वीडियोस तभी बनाऊंगा जब वो मेरे को लेजिट लगे। जैसे ये मैं एक्चुअली में पैसा बन रहा था इसलिए मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई, बाकी ऐसा कोई आएगा तो ऑब्वियसली आई विल मेक। अब मैं ना वो छोटे मतलब गेट रिच क्विक स्कीम्स वाले ऐप में नहीं घुसना चाहता, फिर यार तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। लाइक जैसे यूट्यूब है, तुम उसमें स्लोली ग्राइंड करके काफी टाइम बाद जाके एक अच्छी इनकम कर सकते, बट सेम ऐप में देखो जैसे अभी काफी कम अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, तो वो अच्छी एप्स आएंगी या अच्छे चीजें होंगी जिससे पैसा बन सकता है, आई ऑब्वियसली टेल यू गाइस। नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन। इन 2022 आई मेड वीडियोस अराउंड ईयर एंड इट एक्चुअली ब्लू अप माय चैनल। मेरे वीडियो पे 25,000 व्यूज है। बहुत लोगों की हेल्प करी मैंने। आई एम रियली ग्लैड कि मेरे वजह से बहुत सारे लोगों की पहली फर्स्ट ऑनलाइन इनकम हुई है। बहुत सारों ने मेरे को थैंक यू भी बोला तो अच्छा लगता है अंदर से। आई कंप्लीटेड 1600 hours ऑफ वॉच टाइम और 500 सब्सक्राइबर, जो कि बहुत ही सही है यार। 1600 घंटे लोगों ने मिलके तुम्हारी वीडियोस देखी है, जस्ट इमेजिन तुम्हारा फेस उनके सामने गया। और फिर इंस्टाग्राम में मैंने एक दिन मेहनत करके अपनी इंटरसेप्टर 650 पे रील बनाई एंड नाउ दैट हैज अराउंड 1.1 मिलियन व्यूज। तो 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख लोग के सामने मैं अपनी बाइक लेके निकल रहा हूँ। सो दैट इज अ रियली गुड फीलिंग। यू शुड ऑल्सो क्रिएट वीडियो क्योंकि मतलब जो कॉन्टेंट बनाता है और जो कॉन्टेंट देखता है, तो जो पैसा है वो कॉन्टेंट देखने वाले से कॉन्टेंट बनाने वाले की तरफ जा रहा है। तुम ये बात समझो, ये तुम समझ जाओगे ना तो तुम ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन में घुसोगे। अगर तुम्हारी शक्ल बेकार है तुम नो फेस कैश काउ चैनल भी चला सकते हो, बहुत ऑप्शन है यार। एंड मेरा ना ड्रीम है कि मेरी यूट्यूब वीडियो के सामने एक या तो जोमैटो या फिर स्नैपचैट का एड, एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट मेरे को तुम लोगों की हेल्प चाहिए।
इफ यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, बहुत हेल्प होगी। तो तुम लोग भी एक ऐसे टाइम से गुजरे होगे दैट यू ओपन इंस्टाग्राम रील, तुम धड़ाधड़ स्वाइप कर रहे हो और कब एक घंटा निकल गया। तो इससे नुकसान क्या है? एक तो तुम अनप्रोडक्टिव हो, तुम किसी और को देख रहे हो काम करते हुए और खुद कुछ नहीं कर रहे। ओकेजनली इट्स ओके, मतलब दिन में 30 मिनट्स 45 मिनट्स दैट्स ओके, बट लोगों का स्क्रीन ऑन टाइम 6-7 घंटे जिसमें से 5 घंटे इंस्टाग्राम है, तो दैट्स रॉन्ग। तो उससे नुकसान ये है कि तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है दैट रिड्यूसेस अ लॉट। तुम अब सोचो, तुम अब ट्यूटोरियल वीडियोस में फोकस करके नहीं देख पा रहे और तुम्हारा स्टडी टाइम भी बहुत कम हो गया है। तो ये इस चीज की वजह से टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट, ये बहुत खराब चीज है। साइकोलॉजिकल तुम देखो ना तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कम। तो गाइज, जो हम लोगों का HGH है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो उसका सबसे ज्यादा वो पता कब बनता है? जब हम लोग सो रहे हो। तो जहां तक मेरे को याद है, जब मैं 9th, 10th, 11th, 12th में था तो मैं बहुत बढ़िया से सोता था, 8-9 घंटे तो अच्छे से सोता था। तो मे बी दैट्स व्हाई मेरी हाइट अभी 6'1" है। मेरी डाइट भी उस टाइम पे अच्छी थी, मतलब दूध मैं हमेशा पीता था। तो इफ यू आर अ टीनेजर एंड यू आर वरीड अबाउट योर हाइट, तो मेक स्लीप योर प्रायोरिटी, स्लीप एंड न्यूट्रिशन। तुम्हारे जेनेटिक्स जैसे भी हो, डाइट अगर तुम अच्छी दोगे तो वो तुम्हारे जीन्स को सपोर्ट ही करेगी। एंड दूसरा ये है कि जिम में जब तुम जाते हो तुम वहां मसल को तोड़ते हो, ठीक है, जो फाइबर है यू ब्रेक देम। और जो दूसरा है वो है जब तुम सोते हो तो उनकी रिकवरी होती है। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी मसल रिकवरी अगर ऑन पॉइंट नहीं है तो तुम्हारा जिम जाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेक स्लीप योर प्रायोरिटी। मेरा टेस्टोस्टेरोन काफी स्पाइक हो गया है जब से मैंने स्लीप को अपनी प्रायोरिटी बनाया, बिल्कुल अच्छे से सोता हूँ। मेरा पहले टेस्टोस्टेरोन था 493, अभी वो अराउंड 828 है, मैंने अभी रिपोर्ट चेक कराई है। 828 नेचुरली बहुत ही सही है, मैक्सिमम इज 1000, तो तुम सोच लो। मैं चाहता हूँ कि वो 900 पार चला जाए, देखता हूँ कैसे होता है। नेक्स्ट वन इज नेवर टेक्स्ट फर्स्ट। तुम लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम्हारी तो टेक्स्ट मत करो, सिंपल। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग जो तुम्हारी परवाह नहीं करते वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ से खुद ही चले जाए, तो यार लोगों का रिप्लाई, मतलब पहले उनको मैसेज ही मत कर। तो तुम कभी डिसअपॉइंट ही नहीं होगी कि सामने से अच्छा रिप्लाई नहीं आया, सिंपल छोड़ो। और ये डेटिंग लाइफ में ना बहुत काम आता है कि तुम लड़की को वो मत दो भाव एंड वो तुम्हें इंपॉर्टेंस देगी, ठीक है। तुम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यूज करो, नेवर लेट पीपल यूज यू। तो गाइस, तुम लड़कियों को देखो, वो अपने फेस को अच्छा रखने के लिए क्या कुछ नहीं करती, क्या कुछ यूज नहीं करती, कितने प्रोसीजर्स और सर्जरीज कराती। कोई अपने लिए करती है, कोई किसी और के लिए करती है, बट ऑल दे वांट टू लुक इज गुड, अच्छा दिखना चाहते हैं सब। और वो तुम अच्छा कब दिखोगे? जब तुम्हारी स्किन अच्छी होगी, तुम्हारा एक रूटीन होगा। तो मैं नहीं बोल रहा कि तुम मेकअप करो, बट एक बेसिक स्किन केयर रूटीन और कोल्ड शावर डेली तो अपने उसमें रखो ही रखो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कैफीन इज नॉट गुड फॉर यू, बट कैफीन का जब असर खत्म होता है तो जो एनर्जी क्रैश आता है यार, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। और मेनली मैं कैफीन प्रमोट क्यों नहीं करता, क्योंकि यार मेरे को रात को नींद ही नहीं आती थी, शाम को मेरा जिम होता था और फिर मैं रात को सो ही नहीं पाता था, 3-4 बज जाते थे और फिर नेक्स्ट डे मेरा फिर खराब हो जाता था। तो इसलिए मैं कैफीन मैंने छोड़ ही दिया बिल्कुल। बट कैफीन इतना खराब नहीं है, तुम ले सकते हो अगर तुम्हें उसकी आदत है, तो तुम थोड़ा सा उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो भाई, वीडियो काफी लंबी थी, If you made it till now, तो you are among the top 0.5% of the men जो अपने आप को improve करना चाहते हैं। तो 2023 अपना साल है भाइयों। और एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, never trust your pain। तुम सोच रहे होगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, but तुम इसको ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। चलो मिलते हैं next video में।